दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे पेंगुइन के बारे में, जिसकी गिनती पेंगुइन प्रजाति में सबसे पहले नंबर पर होती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे एम्परर पेंगुइन के बारे में। एम्परर पेंगुइन जो पूरी दुनिया में सिर्फ एंटार्क्टिका के यहाँ पर पाए जाते हैं, और एम्परर पेंगुइन एक मांसाहारी प्राणी है जो ज़्यादातर क्रिल, स्क्विड और फिश को कंज्यूम करते हैं। और एम्परर पेंगुइन शिकार करने के लिए समंदर के अंदर तकरीबन 2000 फीट गहरा गोता लगाते हैं, और वे समंदर के अंदर तकरीबन 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तैर सकते हैं। और एम्परर पेंगुइन समंदर के अंदर तकरीबन 20 मीटर तक रह सकते हैं। और एम्परर पेंगुइन का शिकार ज्यादातर सी बर्ड्स, किलर व्हेल्स और लेपर्ड सील्स करते हैं। और एम्परर पेंगुइन ज्यादातर ग्रुप में पाए जाते हैं, जिनके ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं, और उनके ग्रुप में तकरीबन 20 से भी ज्यादा एम्परर पेंगुइन पाए जाते हैं। और एम्परर पेंगुइन पिंस एक मोनोगामस एनिमल है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही लाइफ टाइम तक मेटिंग करते हैं, लेकिन यदि कोई एक पार्टनर मर जाए तो दूसरा पार्टनर किसी और पार्टनर के साथ मेटिंग करने से मना कर देते हैं। और फीमेल एम्परर पेंगुइन जो हर 2 से 3 साल में एक अंडा देती है, और ठीक 50 से 60 दिन के बाद उन अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं, और उन बच्चों को सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 3 साल लगता है। और जब एंटार्क्टिका में ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एम्परर पेंगुइन एक ग्रुप में आ जाते हैं, ताकि उन्हें थोड़ी सी गर्माहट मिल सके, और वे समय समय पर अपनी पोजीशन को धीरे धीरे चेंज करते रहते हैं। और उस समय मेल एम्परर पेंगुइन का वेट 50% कम हो जाता है। और एम्परर पेंगुइन की लंबाई तकरीबन 40 इंच तक हो सकती है, और वेट तकरीबन 30 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। और एम्परर पेंगुइन तकरीबन 15 से लेकर 20 साल तक जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।